वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले खबर आपको दें। चमन में पाक अफगान सरहद अड्डा कोहल में अफगान हदूद से फिर शदीद गोलाबारी, मकान पर गोला गिरने से एक शख्स शहीद और दो बच्चों समेत सात अफराद जख्मी हो गए हैं। ताजा तरीन सूरतहाल जानेंगे, अख्तर गुलफाम हमारे साथ। अख्तर बताएगा इस बारे में। पाक अफगान फोर्सेस के दरमियान आज दोपहर 11 बजे से जो है वो सरहदी तनाजा पर जो है फायरिंग का सिलसिला जारी हुआ है, जो उसके बाद जो है भारी हथियारों का तूफानों का जो है उसमें इस्तेमाल किया गया। अफगान फोर्सेस ने एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। मुख्तलिफ गाँव देहात और मकानों में जो है वो गोले आकर गिले हैं, जिसके जद में आकर एक शहरी शहीद, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 15 जो शहरी है वो जख्मी हो गए हैं, जबकि दो जो शदीद जख्मी है उनको फौरी तौर पर जो है वो क्वेटा रिपर कर दिया गया है। अभी जो है सरहद पर जो है वो भारी तोपखानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और शहरी इलाकों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिसके वजह से शहर में खौफ का आलम है। पाक अफगान बॉर्डर रोड मार रोड को जो है वो पूरी तौर पर क्लियर करा दिया गया है। जितनी भी दुकानें मार्केट थे वो बंद कर दिया गया है, जबकि तीन जो गोले हैं वो एफसी किले में गिरे हैं। तहम इसमें कोई जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है।